आप फॉर्म भर के दो बार भर दिया 500-500 रुपए दे के, ऑनलाइन भी कर दिया, वो भी नहीं आ रही। कौन खिला रहा सर सरकार ना, कोई मोदी ना लो दी, कोई से तो नहीं खिलाता है। 15 किलो कितने दिन खा लेंगे हम, 6 लोग हैं, कितने दिन चलेगा 15 किलो? जनहित आवाज में मैं हूँ आपके साथ पूजा, और आप यहाँ जो तमाम महिलाएं देख रहे हैं, ये महिलाएं अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये यहाँ पर अपने हक अधिकार को इसलिए लेकर बैठी हुई हैं कि ये जहाँ काम करती हैं उन कामगार महिलाएं हैं जिनको किसी तरीके का वेतन नहीं मिलता है या फिर काम से निकाल दिया जाता है। क्या नाम है आपका माँ? मेरा शांति। कहाँ से आई है? शाहबाद डेयरी से। दिल्ली से ही है, शाहबाद डेयरी से। क्या कुछ हो गया है जो आप लोग यहाँ पर आई हैं? अबे बताए कि काम धन लगत नहीं है, लगत घरों में काम करते है तो ये लोग हमारे पैसा भी काटती है कोटी वाली, और भगाती भी है। और छुट्टी कर लो तो उसके भी पैसा काटते है। और हम लोग ये बताओ विकलांग है और विधवा है, हमें खाने को नहीं मिल रहा। अब ये बताओ जब खाने को नहीं मिलेगा तो क्या फायदा है यहाँ आने। अच्छा, जब आपको ये कोठी वाली जो आप बता रहे हैं ये लोग जब आपको रखते हैं तो कोई किसी तरीके की पेपर वर्क करते हैं? कोई पेपर में आपका नाम पता लिखवाते हो या रजिस्ट्री? कुछ नहीं लिखवाते, कुछ नहीं लिखवाते नहीं। और बस छुट्टी होती है, नहीं जाओ एक दिन दुख मुसीबत में तो कहने लगते जाओ जाओ हटो हम दूसरी रख लेंगे। एक दिन आपकी छुट्टी अगर दुख मुसीबत में लेते हैं तो आपको हटा दिया जाता है? पैसा वगैरह, पैसा वगैरह दिया जाता है टाइम? नहीं कुछ नहीं देते हैं जी, कुछ नहीं देती हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन कहाँ से आए हो? शाहबाद डेयरी से। शाहबाद डेयरी से, अधिकतर शाहबाद डेयरी से है। अच्छा, ये आप लोग जो है सभी वहाँ से आई हैं? आप घरों में काम करती हैं? हाँ, झाड़ू पोछा करते हैं जी, एक दिन की छुट्टी कर लेते हैं तो पैसे कट जाते हैं, काम छूट जाता है। अभी भी झूठ बोल के आए हैं यहाँ पे प्रदर्शन करने? झूठ बोल के आए हैं हम लोग सारे, झूठ बोल। क्या झूठ बोल के आई? मतलब हमें ना, हमारा कोई हॉस्पिटल में है, मैं आज नहीं आऊंगी। अच्छा, क्या मसला हो गया? पैसे वैसे नहीं देते या पैसे मार लिए जाते? पैसे तो दे देती हैं, लेकिन 3 छुट्टी से ज्यादा हो जाए तो पैसे भी काट लेती हैं। और कभी देर हो, महीने की 3 छुट्टी देती हैं आपको, और कभी देर हो जाए तो भाई जा मुझे नहीं कराना तेरे से काम किसी और। टाइम क्या रहता है आप लोगों का काम? 10 का टाइम है ना, 10 ही बजे जाना है, 10 से इधर उधर हो जाएगा तो भाई मैंने नहीं कराना, जाओ। तो ये जो आप मांगे कर रहे हैं ये उनके खिलाफ कर रहे हैं या किसी सरकार से मांगे हैं? सरकार से जी, सरकार से उनसे क्या मांग सकते हैं? उनसे क्या मांग सकते? आपके लिए किसी तरीके का कानून लाए और आपको जो ये हकमारी हो रही है वो हकमारी ना हो? ना, वो नहीं हो। दूसरी को लगा लिया फटाफट। क्या नाम है आपका? हल्की। हाँ जी। कहाँ से आई हो? शाहबाद डेयरी। हाँ जी। गरीबों कैसे? कितना वेतन मिलता है लगभग, कितना होता है? अरे वो रोज का वही 8-9 हज़ार रुपए कमा पाते हैं महीने का। महीने का रोज का 250 रुपए, 250 रुपए। रोज का आप बता देती तो अभी लोगों को यही लगता भैया आप सबसे ज्यादा। नहीं नहीं, महीने का हिसाब है, महीने का 6-7 हज़ार मिलता है बस। अच्छा, काम क्या क्या करती है? पूरा काम करती है, बर्तन, झाड़ू पोछा, बस कपड़े धो, कपड़े की अलग बात है। एक घर में कम से कम 2000 की रेट होनी चाहिए, कम से 1500-1600 की रेट चल रही है। 1500-1600 दिया जाता है, तो ये कब से चलता आ रहा है? ये कम से कम होगा 4-5 साल। 4-5 साल से आप इतने में ही काम कर रही है इतनी महंगाई की टाइम में? उनको बोलते हैं तो कहते हमारे तो खुद नहीं बढ़ते हैं। भैया मैं हम सब बर्तन किए हैं, ऐसे करते करते भी 1500 रुपया बढ़ाया है, ऐसे मजदूर का पैसा नहीं बढ़ाएगा। सिलेंडर, आप तो गृहिणी हैं, आप तो बेहतर जानती हैं, सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है। उन्हें बोलते हैं ना भाई क्या हम खाएंगे, क्या कमाएंगे, तो क्या कि हम दूध दही पनीर इतना महंगा आ रहा है, हमारी तनख्वाही नहीं बढ़ती तो हम कहाँ से तुम्हारा कर देंगे? हमारी पेंशन भी नहीं बनी, हम विकलांग है हाथों से। सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा जो विकलांगों की पेंशन और विधवा पेंशन दी जाती है वो आपने नहीं भरा? कुछ नहीं आई जी, नहीं हो रही है, नहीं आई हमारी पेंशन। एक एक लोग बोलिए, एक एक करके बोलो, आपकी विधवा पेंशन नहीं आई है जी? विधवा की मेरी, आपने फॉर्म भरा था? हाँ, फॉर्म भर के 2 बार भर दिया 500-500 रुपए दे के, ऑनलाइन भी कर दिया, वो भी नहीं आ रही। अबे बता नहीं, और सरकारें तो बोल रही है आपको पैसा पहुंच रहा है टाइम? कुछ नहीं आ रहा, कोई सरकार का सब चूतिया बना रही हमें, सुन लाई।
पागल बना रही है और पागल ही बना रही हो तो नहीं तो देखो हम बेदमा है बेकलाम हो हाथों से सब कुछ हमें कौन खिलाए ये बताओ। हमारे एक बेटा है वो अपना बहू बेटा दार है हमें कोई खबर नहीं रहा है देखो है हमारे कोई ये नहीं है देखो कौन खिला रहा था सरकार ना कोई मोदी ना लोंदी कोई से तो नहीं खिलाता है। मोदी मोदी जी राजा है देश के भाई उनको ऐसे बोल रहे हैं राजा है कम कुछ हो हमारा ना कुछ नहीं है जाओ मैं कुछ नहीं कर रखा हम गरीब आदमी क्या करें घरों में काम करने जाते वही में दो रोटी बासी मिल जाती वही खा के राजी हो जाते हैं ठीक है ना। दिल्ली सरकार से आपकी गुहार है किससे गुहार है आपकी केजरीवाल है कौन है राशन भी नहीं मिल रहा है मैं छह फैमिली हम छह जने हैं राशन तो बोल रहे मिल रहा है 5 किलो राशन मिल बच्चों का नाम नहीं चढ़ रहा है कई बार ऑनलाइन कर दिया नाम ही नहीं आ रहे हैं नाम अकेला क्या महीना खा लूंगी ये बताओ मैं अकेला का 5 किलो राशन तो बोल रहे हैं ना 5 किलो 15 किलो कितने दिन खा लेंगे हम 6 लोग हैं कितने दिन चलेगा 15 किलो चावल भर के कट्टे देते हैं गेहूँ कम दे रहे क्या खाएगी जनता। क्वालिटी कैसी रहती है चावल और गेहूँ की कोई चीज़ हुआ ये सोचो गेहूं इतना होता है कि समझो 10 साल पुराना गेहूं निकालते हैं जिसमें कि धोने के लिए बैठते हैं तो 2 किलो तो उसमें तो गंदी निकल जाता है। मानो अगर 8 किलो गेहूं मिल रहा है मुझे 8 किलो मिलता है जिसमें आप लोगों को इंसान नहीं समझ रहे गाय भैंस को जैसे डाल दिया 8 किलो गेहूँ देते हैं और 14 किलो चावल जिसमें की चावल कितना खाएगा कम से कम 3-4 फैमिली के बीच राजनीति के लाने को कछु मिले हमें भाई जगह ना मिले के ऐसी में रहे हम कैसी फ्री फिल्ड जात सकोरत रहे भूखे रहे से है बिहार से बाहर जेरी के ये हाथ में क्या हुआ है कर लेते हो ये मतलब इतना आपकी परेशानी है इलाज नहीं हुआ क्या नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी ये जल गई थी जी घर वाले खत्म हो गए थे तो जल गई थी इलाज नहीं हो पाया उसके बाद से तो काम कैसे करते कोई बच्चे वाले हते नहीं तो कोई जल करने वाले तो वो तो भाई काम कैसे कर लेती है सब कर लेती बेटा दिहाड़ी कर लेती बेलदारी पे जाती हूँ ईट मसाला का काम करती हूँ सब कर लेती हूँ अब पेट भरना है बेटा अपना तो कुछ भी करना है। ये दुविधा देखिए ये अम्मा बुजुर्ग है और इनकी एज से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं इनके हाथ में भी दिक्कत है लेकिन उससे भी ये काम करती हैं और सोचिए ये लोग जो बैठे हुए हैं हमारी भी आपकी पेंशन आपकी भी पेंशन हाँ मेरे भी ये नहीं अब दो ढीए बच्चे हैं क्या है विधवा पेंशन बता रही हैं या फिर विधवा नहीं आई आप लोग अभी नहीं आई सरकार कह रही है कि आपकी विधवा फॉर्म भर सकी 4 बार भर दिया नहीं अभी तक नहीं आया कोई सुना नहीं है अभी तक और देखो सिलेंडर भी नहीं आया फार्म भी भर दिया सिलेंडर भी नहीं आया। हाँ क्या बोल रही केजी कुछ कर रहा है बच्चों के 2 बार नाम चढ़वाए राशन में अभी तक नहीं आया है कुछ नहीं कर रहा केजरीवाल अभी तो राशन आपको मतलब लोगों के मेंबर के हिसाब से मिलता है। हाँ हाँ तो कितना 8 किलो मिलता है बच्चों को राशन चढ़ा है आधे का नहीं चढ़ा है हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं मीटिंग हो रहा है हम घरों में काम करते हैं तो हमारे जैसे हम हमारे बच्चों को हमको स्कूल भी जाना है तो हम छुट्टी करते हैं तो जहाँ पे हम काम करते हैं घरों में तो हमको हटा दे दूसरी काम वाली रख लेते हैं और हमारे पैसे भी नहीं बढ़ाते हमारी न सरकार हमारे को कुछ देती है न हमारी सैलरी बढ़ाती है। इसमें आप सरकार से क्या डिमांड है आपकी ये डिमांड है कि सबके ऊपर बात लागू होनी चाहिए कि हर इंसान को एक बराबर सोचे और सभी की तकलीफ को समझे और सभी को उनका पूरा अधिकार दे। लगभग आपको जो घरों में काम करती हैं महीने का वेतन क्या मिलता है हमको बहुत समझ कितने 1500 रुपए देते हैं उसमें आगे नहीं बढ़ा है पैसे नहीं बढ़ाते आज यहाँ आए हैं ये झूठ बोलना पड़ा कि आज हम कहीं जा रहे हैं कोई तकलीफ है कोई दिक्कत है मैंने तो ये बोला मेरी कमर में दर्द है। छुट्टी महीने में कितनी मिलती है मुश्किल से 3 मिलती है चौथी हो जाए तो पैसे काट लेते जबकि सरकार द्वारा जो है ये दिया गया है कि भैया कोई भी स्त्री काम करने वाली हो उसको 5 छुट्टी जो है अलाउ है। मैम आपको एक बात बोलूं मैम अगर आज मैं यहाँ आई हूँ ना और कल मैंने उनको ये बताया था कि मैं किसी मीटिंग में जा रही हूँ मैं बता के आई थी इस बारे में पता क्या बोलते तुम जाके ना हमें हमारे लिए ना फांसी की तैयारी कर रहे हो तुम लोग हमारी कंप्लेंट कर रहे हो तो हमें डरा रहे ताकि हम पैसे बढ़ा रहे हमारी छुट्टी भी मिलना चाहिए हमको बहुत जरूरत है। आप पे आरोप लगता है आप लोग काम नहीं करती टाइम से सफाई से काम नहीं करती ऐसा है क्या आप लोग ये तो बोलते हैं लेकिन क्या ऐसा है आप लोग नहीं काम करती हैं? हम अपने मुताबिक बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि हम भी जानते हैं हम इस प्लेट में खाना खाए तो झूठी नहीं होना चाहिए
अगर उसके बाद भी ये सोचते हैं कि जी वो गंदी, अगर हम इतना जानते हैं कि एक प्लेट में कोई खाना खाता है तो वो साफ सुथरी होनी चाहिए। आप, मैं भी पीऊंगी पानी, आप भी पियोगे, एक बार गिलास को जरूर देखोगे, बेवकूफ तो नहीं गंदा खा जाओगे। अगर तुम्हें कराना ही नहीं है, किसी बहाने से हटाना, तो तुम्हें तो कोई भी मैजी के बात करने के लिए बनाने के लिए। ऐसे ही बोलते कि आप लोग बर्तन सफाई से नहीं धोती, खाना सफाई से नहीं बनाती, क्या ऐसा होता है कि आप लोग सफाई से नहीं बनाती? नहीं, हम साफ से बनाते हैं, हम बहुत अच्छे से खाना बनाते हैं, टाइम से उनको खाना देते हैं। अगर हम लोग उनका घर नहीं संभाल रहे, उनके बच्चे नहीं संभाल रहे, तो वो जॉब कैसे करेंगे? कैसे बड़ी उनकी सैलरी है? उनकी 1-1 लाख सैलरी, हमको 1500 रुपये देते हैं, उसी में हम 4 छुट्टी कर लेंगे, 3 छुट्टी कर, तो हमारे पैसे भी काट लेते हैं, तो हमारी छुट्टी भी। नाम है आप? हमको कोई लाभ नहीं है वहाँ पे। नाम क्या है? मेरा शीला नाम है मेरा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। कैसे गुजारा कर रही हैं? पति कमाते हैं? हाँ, मजदूरी करता है मेरा पति भी, मैं घरों में काम करती हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे? नहीं, कुछ बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों ने मेरे छोड़ दिए पढ़ाई, मेरी मजबूरी, तो मैंने नहीं पढ़ा पाया। नहीं पढ़ा पाते बच्चे? आपके भी बच्चे हैं? हाँ जी, मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे, 3 हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? लड़की ने छोड़ दी पढ़ाई, बेटा मेरा कॉलेज कर रहा है और छोटी बेटी मेरी 11वीं में, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन भी मजबूरी बहुत ज्यादा। मेरे हस्बैंड कम से कम काम कर पाते हैं, मेरे घर में कम से कम इनकम होती है, इस कारण कुछ बच्चों की खुशियां हैं, कुछ उनकी शौक है, उनकी कुछ नहीं पूर्ण कर पाते हैं। अगर हमें कहते हैं हमारे बच्चे का जन्मदिन है। मोदी और केजरीवाल जी जो सरकार में बैठे हुए हैं, ये लोग बोलते हैं कि महिलाओं के लिए हम इतना काम कर रहे हैं, जो बेलदारी करती हैं महिलाएं, चाहे वो जो काम करती हैं घरों में, उनके लिए बहुत कुछ सुविधाएं कर दी गई हैं। देखो जी, कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मोदी और केजरीवाल वहाँ तो कोठी में नहीं जाते हमारे पूछने के, आप इनको 1500 रुपए में 2 टाइम काम करा रहे हो। अगर 15 लोगों का काम है एक कोठी में, 1500 में दो टाइम काम करते हैं, तो ये मोदी और केजरीवाल नहीं जाते हैं। और मैम, सबसे केजरीवाल नहीं मानेगा, हम नहीं मानेंगे बर्तन, हमारी जान में दर्द होती है, हाथ दर्द होता है, हम किसको कहेंगे? कल तक मिलेंगे झूठे बर्तन हमें, आज के कल मिलेंगे, मांझेंगे नहीं। आप थक जाते हो, हम नहीं थकते, आपके बच्चों के जन्मदिन होते हैं, आप लोगों को इंसान की तरह ट्रीट नहीं, बिल्कुल हकीकत में ये सच्चाई है। मैम, काम करते हैं, उनने हमारा व्यवहार जानवरों की तरह कर रखा है। आज मैं यहाँ पे मीटिंग में आई हूँ, तो आपके साथ व्यवहार कैसा रखती है ये कोठी वाली जो है, वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार रखते, बिल्कुल काम वालियों की तरह हमारा व्यवहार रखा, जैसे वो लोग हमको मान सम्मान नहीं दे रखा, हमको नहीं देते, हमको मान सम्मान इज्जत किसी बात नहीं होती। उनके गिलास में पानी पी लेते हैं ना, तो बर्तनों में तुम खा लेते हो, हमारे हाथ के बना खाना खा लेते हो, और आपके बर्तन में हम खाना खाते हैं, तो आप लोग काम करती हैं, उनके लिए खाना बनाती उन्हीं हाथों से, आपने अगर उस गिलास में पानी पी लिया तो अलग रख देते हैं, अगर रख देते हैं उसमें नहीं रखते टोकरे में, अलग बात है। ये हाँ। सच्चे मैम, तो ये क्या जितने भी इस तरीके का काम करते हैं आप लोगों के साथ, ये अलग गिलास रख देते हैं, ये ऊंची जाति वाले जी, ऐसा मान के चलो मेरे ज्यादा काम करने वाले वो नीची जाति, ज्यादातर 90% मेरे तो बनी है। देखो जी, छोटी जाति और बड़ी जाति आगे सम्मान सबका बराबर है, इसमें जात वात का कोई भेद नहीं है, क्योंकि सरकार ये कहती है कि जात ऊंच नीच कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब आप पढ़े लिखे होकर जात वात का भेद रखते हो, दूसरों को क्या कल देते हो? आप खुद ये कहते हो पढ़े लिखे हो, जात वात का कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खुद पढ़े लिखे हैं, फिर आप में अकल क्या है जब तुम फर्क दिखा ही रहे हो? क्या अंतर है मुझे ये बताइए। सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके। मैंने आपको क्या कह रहा, कहने और करने में बहुत फर्क होता है, ये बात हकीकत है, सच्चाई है, ये सच्चाई है। देखो, लेडीज जो होती हैं सबसे ज्यादा लेडीजों को टारगेट करती है पार्टियां, कि जब वोट लेने आती है तो लेडीजों के पास आती है और लेडीजों को ही बुलाती है रैलियों में, और आप ही लोगों को अलग छांट के कर दिया जाते हैं जी। ये सच है बात, भी तो कुछ कदम उठाए जाए, नहीं सामाजिक सुरक्षा के लिए इनके लिए भी तो कोई बात लागू की जाए, कुछ भी नहीं है इनके लिए, इनका कोई नाम भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है और मैं भी इन लोगों के साथ हूँ, हाँ हमारा संगठन है और ये सारे हमारे संगठन के मेंबर हैं, क्योंकि इनको भी सामाजिक सुरक्षा दो, इनके काम को सम्मान दो, जो कुछ भी नहीं है। रात में आप कितना बजे काम करके निकलती है घरों से? सुबह हम 7 बजे निकलते हैं, मैक्सिमम मेरा बहुत दूर है, मैं आजतपुर से आगे निकलती हूँ, मुझे रात को तो 8 बज जाते हैं मैम, उसमें भी अगर आगे पीछे लेट पहुँचते हैं, ये क्या बात है, कोई तरीका है आने का? कभी ऐसा हुआ रातों में आप काम करके निकली हैं असुरक्षित महसूस किया हो? हाँ मैम, ऐसा तो कई बार लग जाते हैं पीछे लोग, तो क्या करें, जान बचा के भागना पड़ता है, किसी से लड़ाई तो ले नहीं सकते, क्योंकि जी अच्छे बुरे लोग क्या होता है, एक स्टैंड पे 2 अगर औरतें गलत घूम रही हैं और एक सही निकल जाती है, वो सोचते हैं ये भी गलत है, लग जाओ इसके पीछे,
ये सच्चा ये है, आज के टाइम में ये चीज सच में ही है कि औरतों का पीछा आज भी करा जाता है, अच्छियों के पीछे बुरी तो जो है ही है। सरकार तो महिला सुरक्षा पे भी बोलती है कि सुरक्षित है महिलाएं। कहने में मैंने आपको फिर क्या कह रही मैडम, कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क है। कहने के लिए बहुत कुछ कहती है, कह देते हैं बिल्कुल, चीज अप्लाई नहीं की गई है मैम। 90% बिल्कुल सही है ये बात, ये कहने की बात, क्योंकि मैं अभी बहुत दूर आजादपुर। सरकार से अब क्या गुहार है आपकी, सरकार से क्या? हमें सुरक्षा दी जाए, हमारी कमाई पे भी हो, हम जहाँ काम करते वो हमें धमकी न दे हमारे काम भी, ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ा सके मान के साथ आपको, ठीक है। अब मानो आज यहाँ हूँ, कल जाएंगे, बर्तन भी ढेर मिलेंगे। पर किरण कहाँ गई थी? जी भाभी तबीयत खराब थी, कमरे में दर्द था, क्योंकि मैं ज्यादातर मैडम बीमार रहती हूँ तो मेरा रहता है। तेरा तो रोज का नाटक है, तेरा तो रोज का झूठ है, तू तो झूठ बोलती है, तुम्हारे तो नाटक ही खत्म नहीं होते जी। हमारी अगर आपके बच्चे का बर्थडे है ना तो अभी कहोगे किरण कल जल्दी आना, मेरे बेटे का जन्मदिन है, मेहमान आएंगे, मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मैं मना नहीं सकती, तो मैं उसके साथ एक दिन अपने घर रह नहीं सकती हूँ जी, छुट्टी कर। जो वो नहीं है लागू उसमें तुम्हें दिक्कत है, लेकिन तुम्हारे लिए हम सब कुछ है, हम तुम्हारे लिए बना सकते हैं। तुम्हारे एक एक चीज अपनी मर्जी से घर समझ के काम करते, लेकिन हमें घर का मेंबर नहीं समझते हो। जबकि कहते हैं कि जो घर में आता है घर का मेंबर बन जाता है, फिर वो बात नहीं है, नहीं समझते जी, उन्हें सिर्फ काम से मतलब है। जितनी ज्यादा सी बात बिगड़ी चलो ले हिसाब जाओ। अब क्या कुछ करेंगे आगे? अब अगर सरकार ने नहीं सुनी आपकी बात, नहीं मानी, तो क्या कुछ है कि सरकार को ही सुनना ही पड़ेगी, तभी ही कुछ होगा। अगर आप ये मेरा मैसेज आगे तक भेजोगे, सरकार को भेजोगे, तभी कुछ हमारी सुनवाई होगी। अगर यहीं आपने ले लिया और यहीं खत्म हो गया तो कुछ नहीं बनता, फिर तो हमें अपने बच्चे पालने जी, कम में भी करेंगे ज्यादा में भी करेंगे, बच्चों को रोटी तो खिलानी है, रोटी तो खिलानी है ना बच्चों को। अब ये तो है नहीं सरकार को, अब ये बात पहुंचेगी नहीं, सरकार ऑप्शन नहीं उठाएगी, या सरकार आएगी नहीं तो हम अपने बच्चों को रोटी तो दे नहीं छोड़ेंगे नहीं, फिर तो हम कम में भी करेंगे, उनकी चार बातें भी सुनेंगे। अगर आप हमें सुविधाएं देते, बोलने का मौका देते, आगे बढ़ने का मौका देते, तो हम उनको दो बात कहने का मौका हमारे पास भी आ जाएगा। पानी भी हमारे वो भी दबेंगे, कहीं कहीं हमारे वहाँ पे पाइप भी डाल दिए, कहीं कहीं गलियों में पानी भी नहीं आ रहा है, तो हमको लेकर डब्बे सुबह सुबह भागना पड़ता है पानी के लिए भी। दिल्ली सरकार तो बिजली पानी फ्री दे रही है, नहीं पानी यहाँ पे नहीं है मैम, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे नहीं है पानी, नहीं रहती है। मैं साबा डेयरी में रहता हूँ, तो कहीं कोई ब्लॉक में आ रहा, कोई ब्लॉक में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मेरे वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा। मेरे नाम शीला है, मेरे घर में पानी ब्लॉक में पानी आता है, मेरे बच्चे स्कूल भी जाते हैं बेचारे, सुबह सुबह पानी के लिए भागते, इसलिए लेट हो जाए तो मेरे बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते हैं। एक लड़की मेरी कॉलेज में पढ़ती है, तो अभी मेरी लड़की ने फार्म भरा था, अभी तक कॉलेज से कोई सुनाई नहीं हुई। मैं तो ये बात चाहती हूँ कि ये मैसेज आप ऊपर तक सरकार तक भेजें, ताकि हमारी कोई सुनवाई हो। नहीं भेजोगे तो कोई बात नहीं मैडम, आपने लिया हमने बोल दिया, बात खत्म। जो आपने बोला है ये आपकी आवाज़ जाएगी। और अगर आप लोग यहाँ घर में, मैंने 14 साल काम किया, 14 साल काम किया, उनके बच्चे मेरे साथ छोटे बड़े हुए, उनके बेटे की शादी थी आज से 6 महीने पहले, सिर्फ मुझे 3 दिन लगा था बुखार आ गया, मैंने 3 दिन छुट्टी गई, 4th दिन उसे मुझे हिसाब कर दिया, क्योंकि मैं 12 साल से काम कर रही थी, उसको लगा शादी इतने साल से काम करी तो ज़्यादा न ले ले, एक लगाई उसने 2 महीने काम किया मात्र, और वो 2 महीने बीमार होकर उसको हटा दिया, फिर मुझे दोबारा बुलाया, पहले मुझे मैंने फिर मुश्किल से मुझे बहुत मुश्किल से 500 रुपये बढ़ाए, क्योंकि मैं 14 साल से करूँ एक बह के पता है कि ना हम चोरी चपाटी, हम ईमानदारी से काम करते, ईमानदारी की भाई के तू 14 साल में आपकी 500 रुपये बढ़ाए। हाँ सोच लो आप, बस मैं भी काम, इतनी महंगाई के टाइम, महंगाई में आप ये कहते हो कि ये शॉल किरण 1100 की लाई हूँ कंपनी की है, तो क्या मैम हम 500 रुपये भी ओढ़ने लायक नहीं है? हमारी इतनी कमाई नहीं होगी जिसमें हम ले सकेंगे अपनी कमाई से, इतनी कमाई तो होना चाहिए जिसमें भी हम अपने अपने मन का अपनी पसंद का कपड़ा ले सके, अपने बच्चों की शौक पूरी कर सके, हम अपने पेट में ढंग से खा सके। कमाई होगी तभी तो कुछ करेंगे, तुम्हारे खर्चे हमारे खर्चे नहीं। आप ये तोल के तो देखो कि अगर आपके खर्चे होंगे तो सामने गरीब इंसान के भी खर्चे होंगे। आप तनख्वाह देखते हो जी, हमारा बजट पूरा हो गया तब हम इनको तनख्वाह देंगे 10 तारीख को, तो 10 तारीख के बीच में हमारे भी तो खर्चे होंगे। आपको शर्म आना चाहिए कि कहने से पहले तनख्वाह हाथ में दो, मांगो भाभी जी पैसे दो, तब तुम पैसे दोगे, मांगने पड़ेगी हमें अपनी तनख्वाह, भीख मांगते क्या आपसे हम? मतलब काम भी करते हैं और मांगना भी पड़ता है, तनख्वाह ही मांगने पड़ते हैं। 10 तारीख को मिलते हैं, बिन मांगे पैसे नहीं मिलते हैं, बिन मांगे पैसे नहीं, एक को हो जाता है मांगना और 10 को पैसे मिलते हैं, 10 को का 5 को। मैं भी एक घर में काम करती हूँ 16 सेक्टर में, ए ब्लॉक में और 12-13 नंबर में, तो मेरे को उस घर में हो गया है 14 साल काम करते हो गया, 9 मेंबर हैं वे, ऊपर नीचे के मेरे को सफाई करने पड़ती है, मैं 9 मेंबरों को देखती हूं। हाँ 9 मेंबर हैं, तो उनके 2 टोकड़े सुबह बर्तन निकलते हैं, 3 टोकड़े भी हो जाते हैं सुबह सुबह, और 2 शाम के निकलते हैं टोकड़े बर्तन, तो मैं उसमें 10 बजे जाऊँगी तो मैं निकलती हूँ 1 बजे,
कभी दो एक भी बच जाएगी, दो भी बच सकती है अगर ज़्यादा काम निकलता है तो। पैसे के लिए मैं बोलूँगी मैम मेरे को 2-5 तारीख को पैसे दे दो, तो बोले तुम्हें जल्दी है, हमको तो आगे से पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। तो मेरे पैसे कितने देते हैं, 10-11 के बीच में देते हैं वो पैसे, हमको भी पैसे नहीं देते हैं ना, टाइम से हमको देती नहीं है। अगर हम पैसे बढ़ाने के लिए बोलेंगे कि हम बहुत तुम्हारा काम है, तो वो बोले हम बोले हमारे पैसे बढ़ाओ, तो वो पैसे नहीं बढ़ाएंगे, दूसरी माई को ढूंढने लगेंगे हर चौथे दिन। हाँ मतलब पैसे बढ़ाने की बात कर दी तो दूसरों को ढूंढने दूसरी माई वहाँ पे आने लगेगी फिर, तो हम बोलेंगे कि नहीं हम इतने पुराने हो गए तो हमारे अभी तुम बढ़ा दो, तो बोले नहीं तुमको करना हो तो इतनी पैसों में काम करो, इतनी पैसों में तुमको करना हो तो आप करो ना, तो हम हटा देंगे आपको। हाँ मेरे को 14 साल हो गया काम करते, 14 साल हो गया काम करते, तो मेरे को कितने 1500 रुपये नीचे के देते हैं, 1500 रुपये ऊपर के देते हैं। 2-3 घंटा मेरे को सुबह लगता है और 1.5 घंटा मेरे को शाम के लगता है। तो ये समस्या है, ये काम करने वाली महिलाएं जिनको महिलाएं नहीं समझा जाता, ना इन्हें छुट्टी दी जाती है, जबकि सरकार द्वारा 6 छुट्टियां जो है महिलाओं को दी जानी चाहिए और देते भी हैं कि 4 छुट्टी वैसी और 2 इमरजेंसी की, लेकिन इन्हें छुट्टियां भी नहीं दी जाती हैं। क्या कहना चाह रही हैं आप? ये बोलना चाहती हूँ मैं कि मेरा काम करते करते मैं बीमार भी हो चुकी हूँ, तब भी उनने मेरे को ना तनख्वाह दी और ना मेरे को कुछ बोला है। मेरे को काम करते करते 25 साल हो गए हैं, ना 25 साल हो गए हैं, बस 900, 1200, 1500 से ज़्यादा नहीं देते हैं। वो छुट्टी भी कर लेते तो उसी में से पैसे भी काटती हैं। छुट्टी का पैसा कटता है? हाँ छुट्टी का पैसा भी कटता है, 3 छुट्टी लेते हैं तब भी पैसे काट लेते हैं। 3 छुट्टी लेने पर भी पैसा कट रहा है, लेकिन आपको इंसान नहीं समझा जा रहा, छुट्टी नहीं ले। हाँ हाँ छुट्टी मतलब छुट्टी लेते तो झगड़ा भी कर लेती हैं। मैं 1500 का काम कर रही हूँ तो कोनू और आ गई है वो 1000 में करने लगी हो, ऐसा काम करते हैं। और मैं बीमार भी हो गई थी तो बस बहन गोली खा ले आ जा काम कर दे, तो गोली खा के काम करवाती हैं हम लोगों से। तो ये समस्याएं हैं इन महिलाओं की, सोचिए 15-15, 14-14 सालों से 25-25 सालों से ये लोग एक घरों में काम कर रही हैं, बावजूद उसके इनकी तनख्वाह बढ़ाने के इनकी 3 छुट्टी हो जाने पर पैसे काट लिए जाते हैं। क्या ये महिलाएं नहीं हैं? क्या ये इस देश की नागरिक नहीं है? क्या सरकारों को इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? जो सरकार दावे वादे करती है और लगातार बोलती है कि महिलाओं की सुरक्षा की हम बात करते हैं, महिलाओं के काम की हम बात करते हैं, महिला जहां काम करती हैं, जो बेलदारी करती हैं, जो कर्मचारी हैं घरों में उनकी बात करती है, लेकिन जब सरकार कहां चली जाती है, जब इनके साथ इस तरीके का अत्याचार होता है और जातिगत भेदभाव भी किया जाता है। सोचिए ये पढ़े लिखे समाज के लोग जो सबसे ज़्यादा जातिवाद में घुसे हुए हैं, वो उनके लिए जाति सबसे पहले मान्य रखती है, गिलास में पानी पी लेना उनको छूत अछूत समझा देता है। तो जब पढ़े लिखे समाज के लोग इस तरीके का काम करेंगे तो छोटे जो तबके के लोग हैं वो क्या ही करेंगे। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश की। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।